फ्रेंड्स, आज की वीडियो ध्यान से देखें। ये वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ, बहुत कुछ इसमें सिखाई नहीं हूँ, लेकिन कुछ काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपके बच्चे की कम उम्र होती है तभी से बाल पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्या कारण होता है, वो ये सब बात करने वाले हैं। उनकी केयर कैसे करें, उसको कैसे रोकें, वो सब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं, सिर्फ 6 से 7 मिनट की है। ये हमारी जो क्लाइंट बाल कटवा रही हैं छोटी, ये इनकी एज बहुत कम है लेकिन अभी इनका बाल पकना शुरू हो गया है, तो इसलिए घर के पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स लोग काफ़ी परेशान हैं कि बाल अभी से क्यों पक रहा है। तो इसलिए ये कटवा रही है ताकि इसकी केयर कर सके। बहुत अच्छा है कि बाल छोटा हो जाएगा तो इनकी केयर बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि बच्चे हैं वैसे ही नहीं केयर हो पाती है, और ऊपर से लॉन्ग हेयर पर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो इसलिए जब भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो हमेशा बालों को शॉर्ट करवाएँ और फिर उसकी केयर करें, तभी अच्छे से हो पाती है केयर, ठीक है। तो रीज़न ये है बाल कटवाने का, बाल काफ़ी शॉर्ट करवा रही हैं कि इनको खुला ही रखना, वैसे भी बच्ची को खुला पसंद है तो फिर प्रॉब्लम से है। तो अभी इसको अभी कारण क्या है, देखिए अभी हमारी जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, जो वो काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले चेंज हो गई है। खान पीन हमारा अच्छा नहीं है, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा लोड होता है हमारे दिमाग पर। जैसे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने का होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पढ़ाई लिखाई पहले से ज़्यादा, अब ज़्यादा लोड हो चुका है, ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। इसकी वजह से जो है क्या होता है कि बिना मतलब समय, अभी कोई समय नहीं है बाल पकने का, समय एक होता है 25 के बाद बाल पकते हैं तो एक समय होता है, लेकिन अभी से बाल पकने का कोई समय नहीं है, इसलिए पक रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ कारण है। हमारा बच्चे आजकल के कुछ बाहर के खान पीन खाते हैं, अंदर घर के कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं है, सही से खान पीन जैसे उनका होता है, ना कोई ड्राई फ्रूट्स है, ना कोई फल है, ना हरी सब्जियाँ, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उनको बाहर की चीज़ें ही पसंद होती हैं, चिप्स है, चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे उनको उनकी जो डाइट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो कारण ये भी होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें मेलेनिन जो है, यानी कि पिगमेंट्स कलर जो है, वो कम बनते हैं, वो नहीं बनते हैं, कम बनते हैं या कहीं कम बनते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, पहली चीज़ तो अपने बालों में कोई भी जो है कलर उस तरीके का ना करें, ठीक है, केमिकल वाला बिल्कुल भी कलर ना करें, नेचुरल कलर करना है, जिसमें आप ले सकती हैं जो हर्बल मेहंदी हमारे हम लोग की आती है, आप चाहे तो बाबा रामदेव की पतंजलि इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहे अगर आपको पत्ती वाली मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, उसको रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगो देना है, और उसमें अगर हो सके तो चाय की पत्ती जो है डालकर खुद खोला लीजिए, उस पानी से उसको भिगोइए, लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, और चाहे तो उसमें कॉफ़ी थोड़ा सा डाल लीजिए और थोड़ा सा नींबू डालकर, इस तरीके से आप हर एक महीने में, अभी जो मौसम है इसमें आप मंथ में लगाइए, धूप में बैठिए, नहीं तो सर्दी जुकाम हो सकती है, स्पेशली बच्चे हैं तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान होगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाल, मैं 100% आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपके बाल इस एज में पकना स्टार्ट हो गए हैं तो क्या होगा कि बिल्कुल रुक जाएंगे। अगर आप फीना लगाती हैं, बिल्कुल नेचुरल मेहंदी लगाती हैं, तो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि बिना अभी कोई उम्र नहीं है फिर भी बाल पकना स्टार्ट हो गया, कोई किसी भी उम्र के लोग ये मेहंदी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बिना समय आए और आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी कोई समय नहीं है, तो आप इस चीज़ से सावधान रहिए कि आपको मेहंदी लगानी है, कलर नहीं लगाना उस तरीके का, आपको नेचुरल मेहंदी लगानी है। और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 7th या 8th में थी, अभी ये भी बच्ची 7th या 8th में है, तब मेरे बाल बीच बीच में बहुत ज़्यादा पकना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सिर्फ 4 से 5 बार लगातार जो है मेहंदी लगाई हुई थी। तब आप लोगों को याद होगा लाम मिलती थी 5 रुपए की, और तब तो मैंने पार्लर वगैरह का ऐसा कोई कोर्स किया नहीं था, तो मैं वही मेहंदी लगाई हुई थी, वो भी अच्छी होती है, तो जो लोग लगाना चाहे उसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे मेरा बाल वहीं पर रुक चुका था, अब मेरे बाल पकना अब स्टार्ट हुए हैं। तो वो एज के अकॉर्डिंग, 29 की हूँ तो इस हिसाब से, एज के हिसाब से बीच में वो भी 1-2 बाल हैं, अगर मैं अभी भी केयर अगर करूँ अपने बालों की, अगर मैं हिना वगैरह लगाऊँ तो भी वहाँ से भी अभी रुक सकता है, भी इतने नहीं हैं, 1-2-4 बाल मेरे सर में होंगे अभी पके हुए, नहीं तो नहीं, वो भी डेड होते हैं, जो बहुत पुराने बाल होते हैं और उसमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं बचता है, तो वो जो है डेड होकर फिर वाइट हो जाते हैं, वो बाल हैं जो वाइट हुए हैं, ठीक है।
दो चार बाल होना नॉर्मल है, लेकिन इनके जो बाल हैं वो आगे से बहुत ज़्यादा पक रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये सब करने के बाद भी नहीं होता है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम्स है, अपने सारे टेस्ट करवाएं, क्या प्रॉब्लम अंदरूनी, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है, तभी ट्रीटमेंट लें। ऐसा नहीं है कि मैं कह दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आप लोगों से ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे ही आपके थोड़ा सा खान पीन सही नहीं है, वैसे ही आपके बाल वाइट हो रहे हैं, तो 100% है कि आपके कलर लगाने से, कलर नहीं, आपके नेचुरल मेहंदी हिना लगाने से आपका बाल बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये मैं गारंटी आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मुझसे कुछ बाल पक रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, बाल झड़ रहे हैं, तो झड़ने का भी ये है कि कैस्टर ऑयल लगाना बिल्कुल भी मत छोड़िए। मेहंदी आप लगा रही हैं तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, आपके बाल लंबे होंगे, आपके बाल अच्छे होंगे, आपके बालों में मॉइस्चर मिलेगा, तो वो तो सारी आपको जो है फ़ायदे मिलने ही वाले हैं ये सब। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अपने बालों में हफ्ते में दो बार कैस्टर ऑयल में कोई भी ऑयल मिक्स करके लगाइए, और कटिंग होने के बाद गर्दन पर फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप देख रही हैं, और दो सामने से ये भी देखना ज़रूरी है कि दोनों साइड में, जैसे आप कान का आधार बना लीजिए, दोनों साइड में उतने ही बाल आ रहे हैं, नहीं तो कभी कभी क्या होता है एक साइड ज़्यादा नीचे होता है एक साइड ऊपर होता है, तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप देख सकती हैं। और उसके बाद आपको बाल हटाना बहुत ज़रूरी है, ये भी है ठंडी का समय, अच्छे से ये जो है डस्टिंग ब्रश है तो इससे आप हटा दीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो।